हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सअप के बारे में। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सअप के आपके फ़ोन में कहीं फेक वर्जन तो नहीं है या आप असली व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि व्हाट्सअप का जो भी है फेक वर्जन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से लोगों का डाटा जो हो रहा है लीक हो रहा है और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक दिख रहा होगा, आप इसको यहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ नीचे मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक दिख रहा है, इस साइट पर जाके मुझे डायरेक्टली फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं व्हाट्सअप की। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से बहुत तरक्की से चल रहा है, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत सारी साइटों को पीछे छोड़ चुका है। तो इसी के साथ साथ व्हाट्सअप के साथ बहुत सारे हेटर भी आ चुके हैं, जो कि व्हाट्सअप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या कि व्हाट्सअप के डाटा से हम लोग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए व्हाट्सअप ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया कि आप कहीं आपके फ़ोन में आपका व्हाट्सअप फेक तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से हो रहा है कि व्हाट्सअप के कॉपी वर्जन बना के उनको फैलाया जा रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी अगर आपका फेक वर्जन है या आपको आपके व्हाट्सअप में कभी भी लगता है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना था या अपने आप हो रहा है, तो एक बार आप अपने फ़ोन का व्हाट्सअप चेक कर लें कि आपका ओरिजिनल है कि नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाना है, व्हाट्सअप लिख देना है। तो आप जैसे साइट पर देख सकते हैं, व्हाट्सअप लिखने के बाद अगर आपको यहाँ से दिखा आता है कि व्हाट्सअप डाउनलोड है आपका ओपन करें, तो समझिए आपका ओरिजिनल है। और आप इसको नीचे यहाँ पर देख लीजिए कि जो इसका व्हाट्सअप की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के द्वारा यह डेवलप किया गया है, बनाया गया है, तो इसी से है। तो उससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि मैं रियल व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ या फेक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका यह व्हाट्सअप यहाँ पे डाउन इंस्टॉल नहीं दिखाता और दिखाता है इंस्टॉल करने के लिए, तो समझ लीजिए आपके फ़ोन में कोई और वर्जन का इंस्टॉल है। क्योंकि इस तरह से क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा आजकल एड्स के लिए भी आपके व्हाट्सअप में ऐड लगा देते हैं या आपके उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट लगा देते हैं। अगर आप किसी का भी मैसेज आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास चला जाता है। तो इस तरह से लोगों को मतलब उनका डाटा हैक करके उनको परेशान करते हैं, उनको हरास करते हैं, तो उनसे कुछ चीज़ें वसूलने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कोई भी आप एप्लीकेशन, चाहे व्हाट्सअप है चाहे कुछ भी हो, तो इन एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले आप एक बार प्ले स्टोर पर चेक कर लें कि आपका एप्लीकेशन यहीं से डाउनलोड हुआ है और इसका जो भी साइट है किस ट्रस्टेड साइट से अपलोड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो में समझ आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।